अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, महंगाई जो है वो बेकाबू होती जा रही है। आए दिन खाने पीने की अशिया हो, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, सब चीज़ों में इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन का रेट एक मरतबा फिर 18 रुपये बढ़ा दिया गया है। अंडों की कीमतें बढ़ गई हैं। साथ ही साथ जो बिजली के बिल, जो बिजली की कीमत फी यूनिट है, वो कुछ अरसा पहले जो है वो 7.5 रुपये जो है वो बढ़ाई गई है, और अब फिर जो है वो 6 रुपये के करीब बढ़ाने का एक इंदिया दे दिया गया है। और इसके बाद जो है वो जब ये समरी मंजूर कर ली जाएगी, इस दरख्वास्त पर जो है वो मंजूरी हो जाएगी, तो फिर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अमल दरामद हो जाएगा। महंगाई के चुंगल से लोग जो है वो इस वक्त निकल नहीं पा रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, आइए उनके हालात भी आपके सामने रखते हैं और उनकी राय भी आपके सामने रखते हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है। आइए मेरे साथ नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है, आपको इसकी वजह क्या लग रही है? इसकी वजह क्या बताएं, हमारे कर्जे इतने ऊपर हैं कि महंगाई की वजह से हर बंदा पिस रहा है। इससे आगे हम क्या कह सकते हैं, हर रोज़ नए रेट, हर चीज़ की परेशानी, जब लेने जाओ नया रेट आ जाता है। मैं अपनी जेब के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगाई है। कोई खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ गई हैं, चिकन का रेट आज फिर बढ़ गया है, फिर अंडों का रेट बढ़ता जा रहा है। हर रोज़ कोई ना कोई चीज़ जो है वो महंगी कर दी जाती है, कभी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, कभी बिजली महंगी कर दी जाती है। आपको इसकी वजह क्या लगती है कि क्या जो हमारी हुकूमत है उसकी जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं वो ठीक नहीं हैं, या इस वक्त जो मुल्क है वो मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इस वजह से हुकूमत को ये डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है कि हुकूमत को ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं कि उनकी मजबूरी है। तो एक तो वो IMF का मसला है, उसकी वजह से आज भी मैं देख रहा था, वो कह रहे हैं कि हमें ये करना पड़ना है, बिजली महंगी करनी पड़नी है। अभी थोड़े दिन पहले की है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं ज़ेहन बना लो कि रेट बढ़ेंगे, यही वजह, और कोई वजह नहीं। अभी फिर भी रेट बढ़ने जा रहे हैं, 7.5 रुपये पहले बढ़ाए हैं और अभी 6 रुपये की जो है वो फिर दरख्वास्त की गई है कि 6 रुपये मजीद बढ़ा दिए जाएंगे बिजली के। ऐसे ही है, वो फिर कह रहे हैं कि आवाम को कहते हैं ज़ेहन बना लो, रेट बढ़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। आवाम पे बोझ डाल देना आपके ख्याल में ठीक है? ये ठीक नहीं, सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम पे डाल, ये ठीक नहीं। आवाम कैसे गुजारा कर रही है उनको नहीं पता, ये तो अमीर लोग हैं, इनका तो गुजारा हो जाता है। जो निचले दर्जे के लोग हैं ना, उनका बहुत मुश्किल है। जो दिहाड़ीदार है, जिसने सुबह कमाना है रात को खाना है, उसके लिए बड़ा मसला हो गया, बड़ा मसला हो रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, शुक्रिया। आप रिक्शा चलाते हैं जी? अच्छा, तो गुजारा कैसे हो रहा है, महंगाई तो रोज़ बरोज बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीज़ें हर रोज़ महंगी हो रही हैं। गुजारा तो तुम कह रहे हो, अल्लाह वास्ते कोई सिस्टम चला रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, यह पोजीशन नहीं भेजते साड़ी, ट्रोजर और टी शर्ट और यह जो पोजीशन है, घरों बाहर निकलने कमा के तो फिर बच्चों से लैके जाना ही है, लेकिन गुजारे नहीं हो रहे। लड़ाई घरों मुकती नहीं, कभी आटा मुक गया, कभी चीनी मुक गई, बिल ने तो अशर करता है, बिल ने तो सू रोलता बढ़ गया। जो भी कमाने अद्धा कमाई बिल अस रखने तो अद्धी गुजरी कोई थोड़ा बहुत बजता रोटी पानी का सिस्टम चलाने, तो कुछ तुम करो ना, ढाडे हाथी मैक कैमरा है, कोई उत्ते दरखास्त करो, उन्होंने उत्ते भी रब बैठे आवे और भी पीर कर दो। शायद तो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो इक्तदार के आवानों में पहुँचा सकें। कोई आवाज़ साड़ी तो बार हर ढाडी मेहरबानी तुम कर दो, लेकिन अस महंगाई का कोई लक तोड़ो नहीं सिस्टम चाह रहे। इलेक्शन से पहले और महंगाई भी होने जा रही है, उत्ते फिर वो बस वही हिसाब होएगा, फिर पन्ने बढ़ लाँगे, सीट तक निकल आवेंगे बाहर, फिर यही हो सकेगा, जिन्होंने बच्चे भुखे मरणगे उन्होंने तो वेखना नहीं। लेकिन अभी भी तो इतनी महंगाई हो गई है, रेट डबल से ट्रिपल हो गए हैं, मतलब 3 गुना ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन लोग जो है वो सड़कों पर नहीं आए, इसकी वजह क्या है? सी आप परेशान है, रिश्का चलाने की परेशान है, लोग क्यों नहीं बाहर निकलते पे, किन्ना का पैसा लोगों को घर ही इकट्ठा होया है, जो लोग नहीं बाहर आ रहे, वो लोग नहीं आते जिन्हों को नहीं, तो साढ़े वगैरह जिले आने तो सीना तार के लगे जा, सा बच्चे नहीं तो सुनी जाए, लेकिन यह सिस्टम यार लोगों का वाकई नहीं समझ आ रही, लोग क्यों नहीं बाहर आ रहे, होनी कोई लीडर का कुछ हो जाए सारी बाहर आएंगे, होनी कोई किसी की गिरफ्तारी बाहर हो सारे टायर सारण अग् लागे, और ढिड खातर कोई भी नहीं आता, किसी बच्चे हाथ से कोई भी नहीं आता, यह एहसास ही तो आप बड़ी परेशान है। हम अपना एहसास नहीं करेंगे तब तक जो कोई हमारा एहसास क्यों करेंगे? नहीं नहीं, एहसास तो कहने का मतलब यह होंगे, इन्नी आवाम ही है हम डेढ़ हज़ार आवे अकेले आ रहा है, यह साढ़े वगैरह माड़े बंदे ने, इन्हों जो आवाज़ आनी ने इन्होंने भी कहना चलो यार टुट भी शायद साढ़े बच्चे नहीं सुनी जाए, लेकिन यही चीज़ उ चीज़ मैं तुम्हें पहले कह रहा
हूँ ही किसी की गिरफ्तारी पो सारे रोड बंद सारे रस्ते बंद हर शहर बंद सारा कारोबार भी ठप जो रोटी आटा घ्यो चीनी महंगा आता तो कोई भी खाना खराब बाहर ही नहीं आता समझ ही नहीं आता वो बाहर नहीं आता। ठीक है जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप शुक्रिया अल्लाह का महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है क्या सूरत हाल है कैसे कारोबार चल रहा है आपका बस ये अल्लाह चला रहा है ये अल्लाह के ऊपर से हुक्म से चल रहा है ये हुकूमत तो वैसे कह रही कि मर जाए गरीब आदमी तो मर ही रहा है ना अपना घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे और बड़ी मुश्किल ये है बस अल्लाह पाक निज़ाम चला रहा है और एक चीज महंगी हो जाती है कभी दूसरी महंगी हो जाती है आज चिकन का रेट फिर बढ़ गया है अंडों का रेट बढ़ गया है ये पूछने वाला कोई भी नहीं है इन लोगों को पूछने वाला हो तो ऐसे ना ना हो अपने मुल्क में बाहर के मुल्क कैसे तरक्की कर रहे हैं वो अपने वाम को लीव देते हैं और इधर हमारी हुकूमत अपने वाम को लीव नहीं दे रही वो अपने खुद सोच रहे हैं अवाम का सोच नहीं रहे कुछ सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए गरीब आदमी बिल भी पे नहीं कर सकता और खाना घर का पूरा नहीं कर सकता बच्चों की तलीम नहीं पूरी कर सकता जो किराए के रहने वाले हैं वो कैसे घर का अपना इंतजाम चलाएंगे ये सर अल्लाह पाक चला रहा है मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को इस वक्त मुश्किल फैसले लेना पड़ रहे हैं या गवर्नमेंट आपका सोच नहीं रही यानी आवाम का सोच नहीं रही क्या वजह है कि ये महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है बाजी ये आप बेहतर जानते हैं ये आपको भी सारा इलम है लेकिन ये हुकूमत वाले ये वो अपनी मर्जी कर रहे हैं इस टाइम तो कोई पूछ नहीं रहा लेकिन अच्छा आपको ये लगता है कि हुकूमत आवाम का नहीं सोच रही है। ठीक है जी बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह चिकन अंडे एक मरतबा फिर महंगे हो गए हैं महंगाई पर महंगाई होती जा रही है आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ थोड़ी सी तवक्को है रिलीफ मिलने की या मज़ीद महंगाई हमें तो कोई उम्मीद नहीं है हमें कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है ये महंगाई करेंगे जब भी आएंगे ये महंगाई करेंगे क्या वजह है कि महंगाई जो है वो करनी पड़ रही है गवर्नमेंट को या ये यानी मुल्की हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही क्योंकि जाते जाते जो जब इलेक्शंस होते हैं तो हुकूमतें हमेशा आवाम को रिलीफ दिया करती हैं लेकिन ये हुकूमत जो है वो रिलीफ नहीं दे पा रही तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी सियासी साख भी जो है वो एट स्टेक है नुकसान में है ख़तरे में है। बेटा असल बात यह है कि ये इनका पेट भरता नहीं है दूसरों को उन्होंने दिया अब इनका अपना पेट भरे तो ये दूसरों को दे इनका तो अपना पेट नहीं भरते हजारों लाखों करोड़ों रुपया लेके भागे हुए हैं क्या करेंगे ये क्या हुकूमत करेंगे जब हुकूमत की बारी आती है तो आ जाते हैं अब कहाँ गए हैं कितने का वो दे के गए हैं स्टाम्प पे कितने दिन के लिए गया था नवाज शरीफ क्या करेंगे ये इनका अपना पेट नहीं भरता इनका अपनी हजारादारी जो है ना वो ख़त्म नहीं होती वो जा रहा है उसका बेटा आ जाएगा उसका बेटा आ जाएगा। आपके ख्याल में आवाम का सोच नहीं रहे आवाम की सोच नहीं है आवाम को फुर्सत ही नहीं है वो रोटी कमाएँ जिस दिन काम करेंगे उस दिन खाएंगे जिस दिन नहीं करेंगे नहीं खाएंगे। तो लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि आवाम जो है वो अपने मसाइल के लिए सड़कों पर नहीं आती लेकिन जब भी कोई सियासतदान जो है वो कॉल देता है तो फ़ौरन से सड़कों पर आ जाती है सियासी लीडर कोई गिरफ्तार होता है तो सड़कों पर आ जाती है लेकिन अपने फ़ायदे के लिए अपने मफाद के लिए सड़कों पर नहीं बेटा उनके उनकी रोटी पूरी नहीं हो रही क्या करें मैं आज छुट्टी कर लूँगा रात को कहाँ खाएंगे इनका क्या है लेकिन जब सियासी लीडर पे कोई मुश्किल आती है तब तो लोग सड़कों पर होते हैं यही लोग सड़कों पर होते हैं लेकिन बस जो फारग होते हैं वो होते हैं। ठीक हो गया जी अस्सलाम वालेकुम आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो महंगाई क्यों कर रही है क्या वजह है क्या हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि महंगाई से देखिए जो पहली हुकूमत है ना वो उन्होंने भी पैसे लूट लिए पहले जो हुकूमत चली गई ना उन्होंने पैसे भी लूटे हैं ना तो अब ये क्या करेंगे महंगाई करेंगे ना क्या करेंगे महंगाई करेंगे तो तब ये काम चलेगा यानी आपके ख्याल में जो हुकूमतें हैं वो आकर पैसे लूट के चली जाती हैं और उसके बाद महंगाई जो है वो आवाम को जो बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा ये इससे कतई नज़र ये एक आपका आपकी एक राय हो सकती है आपका एक नुक्ता नज़र हो सकता है कहीं ना कहीं जो हमारे हुकूमती फैसले हैं वो भी तो इस पर असरअंदाज होते हैं कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो फैसले ऐसे करती हैं कि वो आवाम को भुगतना पड़ता है। जी जी ये सही है आवाम को ही भुगतना पड़ेगा अभी देख रहे कितनी महंगाई है आवाम ही भुगतेगी। आईएमएफ कर्ज़ा देता है तो अपनी शरायत मनवाता है वो उनको कर्ज़ा दें या हमें सोचें
कर्जे से वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जा रहे हैं, सैर सपाटा कर रहे हैं। नवाज शहबाज शरीफ साहब ने गाड़ियाँ लेके दी हैं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ लेके, वो कहाँ से आई हैं? हमारे पैसे से आई हैं, क्या करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। चाची जी, महंगाई होती जा रही है, वजह क्या लगती है आपको? बेटा, जैसे हुक्मरान है ऐसे ही होगा। इस मुल्क में जो ईमानदार आदमी है वो नहीं है, समझे ना। और ये आखिरी वक्त है, इसलिए जो है ना ये हमारे पास मुसलत ये अब ख़त्म नहीं हो सकती, समझे ना। और ये जब तक इनका अपने पेट नहीं भरेंगे, ये क्या दूसरों का क्या ख्याल करेंगे? आपने नहीं देखा, मैंने 1965 की जंग देखी है, 4 आने वजह से चीनी मगर, और ये अयूब की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया। वो क्या गया था, 65 की जंग की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक्त गवर्नर था मलिक मीमन खान, ये अच्छा शुगर वाला, ये सब उन्हें बुला लिए गवर्नर हाउस, उन्हें नलके बंद कर दिए कि कोई पानी नलके से ना पिए। सुबह का बिठाया हुआ, रात के 5 बज के शाम के, जब वो डिगने वाले हो गए ना, फिर उन्होंने मिनते की वो सख्ती की, वो उसने फिर गवर्नर साहब का वाई, उन्होंने कहा किससे पूछ के 8 आने पड़ाए आप? गवर्नर मैं हूँ कि आप हैं? उन्होंने कहा 8 आने कम करो, इंडिया के साथ हमारी जंग है, इंडिया दुश्मन नहीं, आप हमारे, ये वो हैं, समझे ना मेरी बात। यहाँ को डंडे वाला हो, ये नहीं कहते अगर महंगाई कम नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कम हो सकती, इनके अपने पेट भरेंगे तो कम होगी। एक आया वो 4 साल गुजार गया, हमें ये ना, अब उसकी बात दिमाग हुआ बनेगी, समझे ना, ये बात हो गई है। तो बेटा, ये हमारे मुल्क का जो है ना निज़ाम, ये कोई इस्लामी कोई ऐसी मखलूक आए जो इनको ठीक करे, कोई खमीनी आए इधर, फिर काम चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम हमेशा आसमानी मदद के जो है वो मुंतज़र रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी क्या ज़िम्मेदारी है? हमारी अपनी ज़िम्मेदारी ये है कि हमें अपने हुकूक का पता होना चाहिए, हमें एक सियासी शऊर होना चाहिए कि जो सियासत है ये हम पर किस हद तक असरअंदाज होती है, और अगर हम हुक्मरान सेलेक्ट करते हैं वोट के ज़रिए, तो वो हमारे ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम सही हुक्मरान का इंतखाब करें। ब्रेक पर जाएँगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएँगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, महंगाई का एक तूफ़ान बपा है, और खाने पीने की अशिया हों, बिल हों, बिजली हो, गैस हो, इनके निरखों में आए दिन इजाफ़ा किया जा रहा है। आवाम क्या समझते हैं कि ये इजाफ़ा क्यों है? क्या हुकूमत वक्त की मजबूरियां हैं जो इस तरह के डिसीजंस लेने पर, इस तरह के फ़ैसले लेने पर मजबूर हैं, या आवाम का सोचा ही नहीं जा रहा? लोग क्या राय रख रहे हैं आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम देख रहे हैं कि महंगाई पर महंगाई होती जा रही है, आए दिन कोई ना कोई चीज़ बढ़ी जाती है, कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, कभी गैस, कभी बिजली, कभी खाने पीने की चीज़ें, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चिकन महंगा, यानी 160 रुपये चीनी होगी, अब से 180 रुपये अभी मैं लेके आया। अच्छा। यानी क्या है कि ये जो हुकूमत आई है ना, ये पहले वाली भी है, उससे पहले वाली ये भी है, ये आवाम का कुछ नहीं सोच रही, ये आवाम को पिस रही है। हाँ जी, तो मैं बात करूँगा तो बात दूसरी तरफ चली जाएगी, अच्छी बात नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं कि कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये इनको शोर नहीं है, ये अपने अपने मज़हब को भूल गए हैं, अपने दीन को भूल गए हैं, अपने यानी वो होता ना इंसान के, ये अल्लाह ने पैदा किया है वो मालिक है। अभी जो भी आदमी है झूठ बोलता है, मैं भी झूठ बोलता हूँ, लेकिन क्या है कि ये हम अपनी दीन से दूर हो गए हैं, ये उसके हमको सजा मिल रही है। हाँ जी, ये जो बूटों वाले हैं ये सब हमें ईमानदार, आप कह रहे हैं हमें ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार नहीं होंगे, खुद ईमानदार होंगे हम। अभी ऐसा वक्त आ गया, ये मुल्क कुर्बानी मांग रहा है, जब तक कोई कुर्बानी देने वाला नहीं होगा ना ये मुल्क जाएगा। कुर्बानियों के बजाय अगर हम मफादात की बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मतलब हम कुर्बानी लेने या देने की बात करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मुल्क हैं वो मफादात पे चलते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे खातून मौजूद है, मैं पहले उनसे बात कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, किस तरह से गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल है, ये देखें 700 रुपया लग गया अभी, ये आटा और ये पत्ती और चीनी है,
तो क्या करे बंदा, 6 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह, खान पीने वाले तो किराए पे रहते हैं, तो क्या करें, इतनी महंगाई है, ये तो मर गए हम तो, कुछ भी नहीं हो रहा। ये बंदा एक कमाने वाला है तो इतने माशाल्लाह खाने वाले होंगे तो कैसे करेंगे, कोई गुजारा नहीं हो रहा, बड़ा मुश्किल है। ये आप बताएं ना, अब कैसे ये सुलझेगा, ये ऐसे ही चलता रहा तो हम तो मर ही जाएंगे, कोई नहीं है हमारी को बात सुनने वाला, किसने सुननी भाई, यही है, क्या कह सकते हैं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी अंकल जी, आप आज हम बात कर रहे थे कि ये कुर्बानी की बजाय अगर हम, मैं आपके फ़ायदे के लिए बात करूं, आप मेरे फ़ायदे की, आप 4 अगले बंदे के फ़ायदे की, हम तो एक जगह पर जब बिजली चोरी करनी होती है ना तो हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये यही है कि हम लोगों का खुद कसूर है। यानी जैसे कि पहले हम पुलिस वालों को रिश्वत देते थे, ले यार चलानी करो ये ले जाओ, ये वो वक्त आ गया कि अब पुलिस वाले कहते हैं देगा तो तुम जाएगा, नहीं तो तुम नहीं जा सकते, तुमने आदत पड़ गई। हमने आवाम ने खुद ये आदत इन लोगों को डाली हुई, नहीं अब तो चालान ई चालान हो गए ना, अब तो वैसे ही आपने डायरेक्ट बैंक में पे करते होते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो रिश्वत वाला यहाँ पे जो रोड्स पे ट्रैफिक वाला निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर हो। बेटा बात ये है कि मैं ईमानदार हूँ ना, मेरे कले से ईमानदार नहीं है, मैं ईमानदारी का एक असूल बनाऊँ, मेरे पास पावर हो आवाम की, वो असूल बनाऊँ कि ये झूठ है ये सच है, इसको ऐसा करना चाहिए ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इलेक्शन के बाद आप क्या समझते हैं कि कोई सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? इलेक्शन ही अभी एक साल इलेक्शन ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आपने तो मुझे बहुत तंग किया है। मैंने ना कुछ ना खाने को कुछ मिलता, ना पीने को कुछ मिलता है, प्याज लिया तो चीनी लिया तो घी नहीं मिलता, घी लिया तो आटा नहीं, हमारे बिल पड़े हुए 2-3 किराए नहीं गए हमारे से, क्या कमाए तो क्या खाए, एक कमाने वाला माड़ा 10 जी खाने वाले, बहुत गरीब बंदे असं की खाइए, उन्होंने चाहिए नवाज शरीफ ने चीज़ा सस्तियाँ करें तो असं खाइए पीए, मगर साढ़े बिल वैसे के वैसे पड़े भावें मीटर कट जाए। अभी तो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सियासी पार्टी, कौन सी पार्टी जो है हुकूमत में आए तो वो बेहतर हालात हो जाएंगे? हमें तो पता ही नहीं चलता कौन चोर बिच पड़ा हुआ जैसे करता है, चोरबाजी हो रही है, कुछ नहीं सोचते, आवाम का क्या, हम अपना पेट भर लें, गरीब ऐसे जैसे मर जाए सारे मर जाए, हाँ अपना पेट भर रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नज़ीर हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, चीज़ों की कीमतें आए दिन बढ़ती जा रही हैं, खाने पीने की चीज़ें हों, बिजली के बिल हों, हर तरफ महंगाई नज़र आ रही है, आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत आवाम का सोच नहीं रही, क्या इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है जिसकी वजह से हुकूमत को ये फैसले करने पड़े? बहरहाल अगर मुश्किल भी है ना तो आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर देना चाहिए, आवाम तो बिल्कुल पिस गए, उनको जो दो टाइम खाते थे वो एक टाइम पर आ गए हैं, जो एक टाइम थे उनको फाके हो रहे हैं, और हुकूमत पर ऐसे लगता है ही कोई नहीं, बस सीधी सी बात। और महंगाई और भी बढ़नी है आने वाले दिनों में, बात अल्लाह ताला हमें उससे बचाए, तो इन हुक्मरानों को शर से भी बचाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? शुक्र। आप इधर शिकायत करते हुए नजर आ रहे थे कि गैस नहीं आती। गैस बिल्कुल नहीं आती, आंदी नहीं गैस, 3200 रुपया बिल आ गया, 1 महीने का 3200 रुपया बंद मीटर का बिल आया, किधर घर बंद है या गैस नहीं आती? गैस आंदी नहीं है। गैस से इलाके में रहते हैं? चैना स्कीम त्रेठ लंबर अड्डे के पास। अच्छा, वहाँ पे गैस नहीं आती है? नहीं। तो आपने शिकायत की है कि बिल आ जाता है और गैस? शिकायत किन से करें, किसी से भी नहीं, जिनसे जाके करेंगे वो अच्छा ठीक है, आगे से नहीं आएगा फिर आता है, जो महकमे वाले हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे ना कि हमारे पास तो गैस ही नहीं आती, सरकारी कोई भी है ना कोई भी नहीं सुनता, बस उनको अपनी है और किसी की नहीं है, क्योंकि उनको अपनी सैलरी अच्छी लगी हुई है, सारा कोई ठीक है, बस गरीब चारा तंग हो रहा है ना, 20 रुपये तेल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, अभी तो हुकूमत नहीं है, उसको तो नजायज किया ना, अभी उसको पकड़ लिया जो भी किया है उसके साथ नजायज ही किया है, पेट्रोल फिर महंगा नहीं, ये कह रहे ना असल काम खराब करने वाला नहीं था, ठीक है ना, महंगाई लाने वाला वही था, ये तो अब आ रहे हैं जो कर रहे हैं करा रहे हैं, जब उन्होंने छोड़ा था जब क्या रेट था तेल का, 70 रुपये लीटर था, अब 250 रुपये 300 रुपये लीटर वो है।
था, अहम किरदार ने किया, 280 ने किया, असि तुसी माड़े आ, कमानी अपनी खानी अपनी, फिर बहस किस चीज की, हैप्पी दिस लाइफ। बिल चेक करें कितना है? 2240। गैस तो आ नहीं रही है, गैस तो आ नहीं रही है आपके सामने, और आज जमा कराना है, और आया ये कल है, अब गरीब बंदा आज जमा कराना है, पैसे हैं या नहीं है, अब जुर्माना इस पे आप देखें डाला इन्होंने कितना ज्यादा, 2400। गैस सिलेंडर अलग भर रहे हैं, सारी काम कर रहे हैं, और ये आपके सामने क्या करें। बिजली का बिल मेरा तकरीबन 6000 रुपये के करीब आया, फ्रिज है और नॉर्मल चीज़ है, ना एसी है ना कोई ऐसी चीज़ है, नॉर्मल सब कुछ है, पंखे वगैरह, एक कमरे का मकान है, 15000 रुपये किराया है। आप बताएं, मेरी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाने का मसला है, बहुत तंगी परेशानी है, दुआ करें कि इन हुक्मरानों को कल आ जाए, वरना हम जैसे लोग तो ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी आप ये बिल लेकर कहीं गए हैं, महकमे वालों के पास गए हैं कि भई हम बिल किस चीज़ का दें? ये महकमे वाले, ये मछली मंडी उर्दू बाज़ार के पास इनका दफ्तर शिफ्ट हुआ है, उनके पास लेके गए हैं, कह रहे हैं भाई हमारा काम नहीं, हुकूमत का काम है, हुकूमती लेवल पे काम करें, या इसकी किस्तें करा लें, अगर हम किस्तें कराते हैं तो अगला डबल से ट्रिपल बिल फिर भेज देंगे। हमारा तो इतना कारोबार ही नहीं है, मैं बाइक रिपेयरिंग का बेसिकली काम करता हूँ। पहले हमारा ये सिलसिला होता था कि हमारा जो सा सिलसिला काम मेरा अच्छा था माशाल्लाह, मगर ये चार साल में काम बिल्कुल डेड हो गया, ठीक है। तो बहरहाल आप दुआ कीजिए कि अल्लाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी लोग जो हैं वो बिजली के और गैस के बिल दिखा रहे हैं, और गैस के बिल दिखाकर वो ये कह रहे हैं कि इतने इतने दो दो तीन तीन हज़ार चार चार हज़ार बिल आए हुए हैं, लेकिन जो है वो गैस यहाँ पर आती नहीं है, और जब वो दूसरे ज़राए की तरफ जाते हैं तो उसका बिल अलग भरना पड़ता है, इन चीज़ों का इसका बिल जो है वो अलग भरना पड़ता है। लोग इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि आए दिनों में मज़ीद महंगाई होगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएँगे और कुछ और लोगों की आरा शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, महंगाई का एक तूफ़ान है जो इस वक्त आवाम को जिसका सामना है, खाने पीने की अशियाँ हों या बिल हों, हर चीज़ में जो है वो आए दिन इजाफा होता जा रहा है। बाज़ औक़ात जो है ये कह दिया जाता है कि आलमी सतह पर जो है ये महंगाई हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये जो महंगाई हो रही है इसकी वजह क्या है, क्या वजह है कि हमारे जो मुल्क के मौशी सूरत हाल है वो इस कदर ख़राब है कि जो हुक्मरान है उनको सिवाय इसके कोई चारा नज़र नहीं आ रहा कि आवाम पर जो है वो मज़ीद बोझ डाल दिया जाए। हमारे साथ चेहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि महंगाई होने की वजह क्या है? महंगाई पे महंगाई हम देख रहे हैं कि आए दिन चीज़ें जो है वो महंगी होती जा रही हैं, कभी एक दिन होती है, अगले दिन कोई और ख़बर आ जाती है ये चीज़ महंगी हो गई है, कभी बिजली महंगी हो रही है, कभी गैस महंगी हो रही है, क्या चल क्या रहा है आपके पास? मैडम असल चीज़ ये है कि अगर हम कंपेरिजन करें अपने कंट्रीज़ को अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसे मिडल ईस्ट में आप देख लें, मस्कत है, ओमान है, सऊदीया है, दुबई है, वहाँ पर उनका डिपार्टमेंट है बल्दिया, और हर चीज़ को वो मैनेज करता है, कंट्रोल किया हुआ है उनकी हर चीज़, जो भी इवन आप जैसे यहाँ सब्ज़ी मंडी में हम खड़े हैं, प्याज है, लहसुन है, लीमू है, सब्ज़ी है, बैंगन है, ये गोभी है, कोई भी चीज़ है, बाहर की कंट्री में उनके एक रेट मखसूस हैं, कोई भी वहाँ पर शॉपकीपर अपनी मर्ज़ी से रेट इंक्रीज़ नहीं कर सकता, ठीक है, वो जो उनके रेट फिक्स हैं, यहाँ जिसका जो दिल चढ़ता है वो उसे अपने उस रेट पे वो सेल करता है, और पब्लिक मजबूर है, ज़ाहिर उनको तो जो है वो अपना घर का चूल्हा चलाने के लिए, अपने घर के अफराद को उनको खाना देने के लिए सब्ज़ी चाहिए, गोश्त चाहिए, दालें चाहिए, प्याज लहसुन जो कुछ है जो चाहिए जो, तो वो मजबूर हैं कि जिस रेट पे उनको अवेलेबल है उन्होंने उस रेट पे वो परचेज करना है, खरीदना ही है। तो आपको लगता है कि ये प्राइस लिस्ट जो लगाई जाती है उनके मुताबिक तो यहाँ पर नहीं सेल की जाती, लेकिन इनका भी एक मौक़िफ़ है, ये कहते हैं कि भाई हमें जो है ये पीछे से ये इतनी महंगी आती हैं कि हम इससे सस्ती बेच नहीं सकते। जो इनके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा आता है, यानी पेट्रोल की कीमत है वो बढ़ गई है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन पे इनका खर्चा आता है तो वो इन्होंने अपना खर्चा निकाल के जो है वो आवाम को ऑब्वियसली। मैडम हमारा एक तलब और एक रसद का एक कंसेप्ट है कि कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है सेल होने के लिए, और जब वो सेल होती है और पब्लिक जब ख़रीदती है तो जितनी तादाद में वो ज़्यादा चीज़ ख़रीदती है उतनी ज़्यादा बिकती है, और जितनी बिकती उतनी उसकी डिमांड ज़्यादा होती है,
तो जो चीज़ हमें पीछे से जो है कम मकदार में आएगी और उसकी अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी जो है रेट इंक्रीज़ होंगे, लेकिन चीज़ वही आ जाती है कि यहाँ जो हमारी मैनेजमेंट जो है अगर वो उनके प्राइस को फिक्स रखे और उनको वॉच करे, अगर उनको प्रॉपर वॉच करे तो किसी भी चीज़ के जो है रेट इंक्रीज़ नहीं होंगे और पब्लिक को आसानी होगी उसको ख़रीदने के लिए। इसमें हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहरा है, तो इसमें हमारे जो है गोम्बिल को जो हमारे ऑफिशल्स हैं जो इस रैंक पे बैठे हुए हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं, तो ये हमारा जो है ये हुकूमत का काम है कि ये इसको पूरा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ ख़रीदारी करने आए हैं, क्या रेट आपको लग रहा है कि कुछ मुनासिब हुए हैं या मज़ीद महंगे हो गए हैं? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, अब मजीद हाँ मजीद बढ़ रहा है। पहले दो दिन पहले टमाटर 100 थे, आज 150 मिल रही। चिकन का रेट भी बढ़ गया, अंडों का रेट भी बढ़ गया। कुछ पूछने वाला नहीं, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम अगर नहीं होगा तो ऐसा ही होगा। ये नहीं है कि महंगाई है, लेकिन खुद साख्ता महंगाई है। अब किसी का दिल करता है जो करता है, अगर पूछने वाला कोई हो ना या रेट लिस्ट जो दी हुई है उसके मुताबिक दे तो ये कैसे बढ़ सकता है, लेकिन जब किसी ने पूछना ही नहीं तो जो उसका दिल करता है। ये साथ साथ बैठे हुए आप एक्सपीरियंस अभी आप कर रहे हैं ना, जाने जरा देखना। जब इनसे प्राइस लिस्ट का पूछते हैं तो क्या जवाब देते हैं? किसका प्राइस लिस्ट का पूछते हैं? कुछ भी नहीं, वो तो कहते हैं ये तो फजूल पड़ी हुई है, आप दूसरे ये अब उसमें वो उसमें फिर वो क्वालिटी का चक्कर चला देते हैं। इसमें ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, सब चल रहा है निज़ाम उनका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो भी महंगाई होती जा रही है, एक तो आपने कह दिया कि ये खुद साख्ता महंगाई है, लेकिन ये जो महंगाई है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही है, ये जो है वो आलमी सतह पर भी हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। लेकिन बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गया है, गैस आती नहीं है लेकिन महंगी ज़्यादा होती जा रही है, तो इनकी क्या वजूहत हैं? इनको तो आपने कह दिया कि ये खुद साख्ता महंगाई की है। अगर हमारा 200 है और इनकम हमारी 100 है, तो यही हमारे मुल्क का हाल है। ज़रे मज़े के ज़खायर तो हैं, अरे मुकाबले के ज़खायर तो हैं नहीं। डॉलर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जब डॉलर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी, यही उसकी मेन वजह है। इसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? क्या हुकूमतें इसमें नाकाम नज़र आती हैं? नाकाम इस तरह से होती हैं कि कुछ मुआहदे ऐसे होते हैं कि जो पिछले से चले आ रहे होते हैं। अब IMF के पास हम फंसे हुए, ना जाते तो क्या होता, डिफ़ॉल्ट ही होने था ना, तो उसके जाने के तो ये तो भी मजबूरी थी, ना जाने में भी जो है मुसीबत थी, दोनों तरफ से मुसीबत थी, तो इन्होंने फंसना ही फंसना था, अल्लाह रहम करे बस। ये अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सलाम बेटा, ठीक है बेटा, की करिए, काम कोई है नहीं, महंगाई इन्नी है, सब्जी लवो 200-300 रुपए की सब्जी कितों लइए, आटा कितने 650 है, 1400 रुपया कर दिता है, एहो जी हुकूमत की कर सकते हैं बेटा, बोल। कौन जिम्मेदार लगता है? कौन जिम्मेदार लगता है? कौन था, किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार लगता है कि किस हुकूमत की, किस हुकूमत ने ऐसे फैसले किए कि जिस पे आज हम मजबूर हैं? ये हुकूमत की जिम्मेदारी और किसी की नहीं। इस बात के जिम्मेदार करप्ट शहबाज शरीफ है। ये वो बंदा मुल्क का खैर खाक कैसे हो सकता है? वो बंदे को वोट डालना ही गुनाह है जो अपनी जायदाद पाकिस्तान में रखना पसंद नहीं करता है, वो पाकिस्तान का खैर खाक कैसे हो सकता है? कर्ज़े लेके चीज़ें सस्ती करना ये कोई हुकूमत नहीं होती है, कर्ज़े लेके तो सभी चीज़ें सस्ती कर सकती हैं। अब ये वोट लेने के लिए कह रहे हैं कि जिम्मेदार है, मादे है, कहता रहा कि मेरी हुकूमत मत गिराओ मत गिराओ, फिर भी उसकी हुकूमत। अब लेकिन ये सारे जो फैसले किए हुए हैं इनका जो शुरू बुनियाद रखी थी वो चेयरमैन PTI ने रखी थी, महंगाई उस वक्त से होना शुरू हो गई थी। मैं के दौर में महंगाई, मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, 2018 में जब हुकूमत गई, जिस किसी की भी थी, नवाज शरीफ की थी, शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो आप मुझे ये बताएं कि उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था, उस वक्त चीनी का रेट क्या था, उसके बाद हम देखते हैं कि चीज़ों के रेट बढ़ते गए। मैडम जी, उस वक्त आलमी मार्केट में रेट क्या था, अब आलमी मार्केट में पेट्रोल का रेट क्या है, अब ये कम क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आलमी रेट फिर बढ़ गया हुआ है, जब ये जंग हुई है तो बढ़ गया है। वो तो अब जी बढ़ा ना, रेट जी बढ़ गया ना, आलमी मार्केट में बढ़ गया है ना, आलमी मार्केट में
दौर में 150 रुपए आज पेट्रोल था। अगर तो वो कहता रहा कि मेरी हुकूमत मत तोड़ो, मेरी हुकूमत मत गिराओ। अब शबाश यू कहता मैंने पाकिस्तान को बचाया, पाकिस्तान को उसने बचाया कैसे है? वो अपनी जायदादें बाहर से क्यों नहीं लेके आते हैं? आप ये बताएं ना, वो अपनी जायदादें बाहर कारोबार क्यों जी करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हैं? पाकिस्तान में अगर वो पैसा लेके आए तो डॉलर खुद खुद जी ने वो खुद खुद जी आए जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आवाम की राय आपने जानी, आवाम इस वक्त जो है वो मुश्किलात का शिकार है। बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया गया है। गैस है, बहुत से इलाके जो है वो इस वक्त शिकायत कर रहे हैं कि वहाँ पर गैस नहीं आती है, लेकिन उनको गैस के बिल भेजे जा रहे हैं। आए दिन जो है वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। इस वक्त जो सियासतदान है वो भी कुछ खास करते हुए आवाम के लिए नज़र नहीं आ रहे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।